हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेक गुरुजी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 5000 रुपीज। तो जी हाँ, टॉप 5 स्मार्टफोन का मैंने एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि आप टॉप 5 अंडर 5000 बता रहा हूँ, उसके बाद 10000 बताऊंगा, इस तरीके से आपको कैटेगरी वाइज बता दूंगा। तो इस वीडियो में वही बताएंगे टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 5000 रुपीज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करूँ तो दोस्तों पहला स्मार्टफोन होगा हमारा इंडियन कंपनी जो कि इंटेक्स। तो इंटेक्स का क्लाउड Q11 करके ये स्मार्टफोन रहेगा। 5.5 इंच की स्क्रीन रहेगी, HD का एक डिस्प्ले आपको मिलने वाला है इसका। और अगर इसके रैम मैनेजमेंट की बात करूँ तो 1GB का रैम होने वाला है, 8GB का इंटरनल स्टोरेज होने वाला है, 1.2GHz का एक क्वाड कोर का प्रोसेसर रहने वाला है, स्पेक्ट्रम का एक पुराना ही प्रोसेसर बोल सकते हैं, माली का एक कोई भी एक बोल सकते हैं कि पुराना GPU रहने वाला है फ्रेंड्स। 5 का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा और 8MP का आपको रियर कैमरा मिलेगा जो कि बैक कैमरा है। उसके साथ आपको एक सिंगल टोन फ्लैश भी मिलने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बहुत ही बढ़िया फोन है मेरे हिसाब से। 4G फोन है, VR इनेबल्ड यानी कि इसमें आपको जायरोस्कोप सेंसर इनेबल्ड है और साथ में VR इनेबल यानी कि इसके साथ आपको फ्री में एक VR मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट चॉइस रहेगा अगर आपको 5000 का आपका बजट है उसके अंदर ही, तो ये फोन के लिए आप जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों दूसरे स्मार्टफोन की बात करें तो दूसरा स्मार्टफोन आएगा हमारा Zolo Era 1X। तो जी हाँ, Zolo Era 1X के अगर फीचर्स की बात करूँ तो 5 इंच का आपको स्क्रीन मिलने वाला है, HD का आपको एक डिस्प्ले मिलने वाला है फ्रेंड्स, 1GB रैम, 8GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, 8MP का आपको रियर कैमरा मिलने वाला है सिंगल टोन फ्लैश के साथ और 5MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। एंड्रॉइड मार्शमेलो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा, 2500mAh का आपको बैटरी मिलेगा, स्पेक्ट्रम का एक 1.3GHz का एक क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें भी आपको मिलने वाला है, माली का 400 का एक GPU आपको मिलने वाला है जो कि बोल सकते हैं कि एकदम ठीक ठाक है, क्योंकि 5000 के अंदर आप और क्या लोगे, आप स्नैपड्रैगन तो लगा नहीं सकते, लेकिन ठीक ठाक एक प्रोसेसर आपको 1.3GHz का एक क्वाड कोर का प्रोसेसर दिया गया है। तो ओवरऑल इसकी बात करूँ तो 25000mAh का इसका बैटरी है, 2500mAh का, तो ठीक ठाक ओवरऑल बात करूँ तो एक आपको सेगमेंटेड फोन में एक आपको फोन मिल जा रहा है Zolo Era 1X। 1GB रैम है आपको, ओवरऑल डिस्प्ले भी एक ठीक ठाक है, तो ये भी बोल सकते हैं कि इंटेक्स क्लाउड Q11 के ही टक्कर में या फिर बोल सकते हैं कि एकदम सेम लेवल पे है दोनों, सब कुछ फीचर सेम है, मतलब देख लीजिए दोनों ही 4G सपोर्टेड है फ्रेंड्स। तो ये तो था दूसरा स्मार्टफोन। तीसरे स्मार्टफोन की अगर बात करूं फ्रेंड तो तीसरा स्मार्टफोन होगा iWoomi का Mi 1 Plus। जी हाँ, ये एक बेस्ट फोन रहेगा इस प्राइस रेंज में, मतलब अभी तक का जितने भी आप मैंने फोन बताया उसमें से सबसे बेस्ट निकल के यही आएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 5 इंच का स्क्रीन, HD, 2GB का रैम आपको मिलेगा, 16GB आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगा आपको, 1.2GHz का एक क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलने वाला है, सेम GPU भी आपको इसमें मिलेगा, 8MP का आपको रियर कैमरा मिलेगा डुअल टोन फ्लैश के साथ, 5MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा, 3000mAh का आपको बैटरी मिलेगा, एंड्रॉइड मार्शमेलो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको, 4G सपोर्टेड ये भी फोन रहेगा फ्रेंड। तो ये एक बेस्ट स्मार्टफोन बोल सकता है क्योंकि आपको 2GB रैम, 16GB इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है आपको और 3000mAh का एक मैसिव बैटरी बैकअप मिल रहा है। तो देखा जाए तो दोनों के कंपैरिजन में ये स्मार्टफोन अभी तक का सबसे टॉप पे आएगा, यानी कि पहले नंबर पे ये आएगा, बाकी दूसरे तीसरे पे वो दोनों आएंगे। तो ये तो था दोस्तों iMovie का Mi 1 Plus, जो कि मेरे हिसाब से एक बेस्ट फोन रहेगा 5000 के अंदर। तो दोस्तों चौथे स्मार्टफोन की बात करूँ तो चौथा स्मार्टफोन होगा माइक्रोमैक्स का कैनवास का एक्सप्रेस Q413 करके आएगा फ्रेंड। इसके अगर फीचर्स की बात करूँ तो 5 इंच का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, 1 HD का आपको डिस्प्ले मिलेगा फ्रेंड, 2GB का रैम आपको, 16GB का इंटरनल स्टोरेज, 8MP का आपको रियर कैमरा मिलेगा सिंगल टोन फ्लैश के साथ, 2MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा फ्रेंड्स, 2000mAh का आपको बैटरी मिलेगा, MediaTek का आपको प्रोसेसर मिलेगा और साथ में जो GPU रहेगा माली का T720 करके वो GPU दिया गया है। और साथ में फ्रेंड्स अगर इसकी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो यह आएगा आपको लॉलीपॉप आउट ऑफ द बॉक्स, तो बोल सकते हैं कि ये भी मतलब ठीक ठाक ही ओवरऑल लॉलीपॉप मिल रहा है। ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस है, 2000mAh का बैटरी मिल रहा है, बाकी रैम और स्टोरेज की बात करूँ तो एकदम ठीक ठाक, मतलब बोल सकते हैं कि बेस्ट आपको स्टोरेज मिल रहा है। तो ये भी बोल सकते हैं कि कंसिडरेशन में ले सकते हैं, अगर आपका बजट सेगमेंटेड प्राइस है 5000 रुपये का बजट है तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं फ्रेंड। तो दोस्तों अगर आखिरी स्मार्टफोन की बात करूँ तो आखिरी स्मार्टफोन आएगा स्वाइप का Elite 3। तो इसके अगर फीचर्स की बात करूँ तो 5 इंच का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है फ्रेंड, सेम HD का डिस्प्ले रहने वाला है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो फ्रेंड्स आपको 1.3GHz का एक क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलने वाला है, जी हाँ वही स्पेक्ट्रम का। और इसके साथ अगर GPU की बात करूँ तो माली का 400 का एक GPU आपको मिलने जा रहा है इसमें, तो बोल सकते हैं कि जो सेम फर्स्ट और स्मार्टफोन जो मैंने बात किया Zolo Era 1X या फिर इंटेक्स क्लाउड, तो उसी तरीके का सेम फीचर है। लेकिन इसके रैम मैनेजमेंट की बात करूँ तो आपको आएगा इसमें 2GB रैम, 16GB इंटरनल स्टोरेज, 2500mAh का इसका बैटरी बैकअप आपको मिलेगा फ्रेंड्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो एंड्रॉइड मार्शमेलो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा, तो ठीक ठाक है बोल सकते हैं कि ये भी स्मार्टफोन मतलब
मतलब जो भी स्मार्टफोन बताया उसमें ये भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, स्वाइप का एलाइट 3। तो ओवरऑल बात करूँ तो ये भी एकदम बेस्ट है आपके हिसाब से, अगर आपका बजट 5000 के अंदर है तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी पिक की बात करूँ, अगर मुझे कोई लेना रहेगा स्मार्टफोन या फिर मुझे किसी को रिकमेंड करना रहेगा तो मैं बोलूँगा उसको iGumi का Mi 1 Plus ले लें। सब कुछ बढ़िया है उसमें, रैम मैनेजमेंट भी आपको, स्टोरेज भी आपको, बैटरी बैकअप भी आपको, कैमरा भी, स्पेसिफिकेशन। तो ओवरऑल बात करूँ तो सबसे नंबर 1 पे वो आएगा, बाकी जो भी 4 स्मार्टफोन आएंगे उसके नीचे ही आने वाले हैं। तो यही था फ्रेंड्स टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 5000 का वीडियो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आपको पसंद आया तो लिंक से आप वो बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही था फ्रेंड्स वीडियो, आशा करता हूँ कोई वीडियो अपडेट उसी तरह से देखा पसंद आया। अगर हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब का लोगो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लोगो पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बन रही है बेटे गुरुजी के साथ, बोलते रहिए जय हिंद, पीस आउट।